गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 7 चार्ली चैपलिन की आत्मकथा पढ़ेंगे। बच्चों, आप चार्ली चैपलिन के बारे में क्या जानते हैं? चार्ली चैपलिन हॉलीवुड के प्रथम हास्य कलाकार थे। हास्य भी थे लेकिन वो मूक हास्य कलाकार थे। मूक का मतलब होता है वो अपनी जो पिक्चर आती थी, उनकी जो फिल्में आती थी, उनमें वो बोलते नहीं थे। वो सिर्फ अपने हाव भाव से ही हंसाने का प्रयास करते थे और हंसाते थे। और चार्ली चैपलिन की बात करें तो वो एक फिल्मकार भी थे, वो फिल्में भी बनाते थे। तो इस आज की इस कहानी में, चूँकि एक आत्मकथा है, इसमें पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र कैसे पूरा किया, वो कैसे अभिनेता बने, कैसे फिल्मकार बने और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा पूरा नाम, क्योंकि ये एक आत्मकथा है तो इसमें चार्ली चैपलिन अपनी कहानी को बता रही हैं। मेरा पूरा नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था तथा मेरा जन्म लंदन के एक निर्धन परिवार में 16 अप्रैल 1879 के दिन हुआ था। 16 अप्रैल 1889 के दिन हुआ था। मेरी पीड़ाओं तथा कठिनाइयों ने भी मेरे साथ ही जन्म ले लिया कि जब उनका जन्म हुआ तो जो मुसीबतें थीं वो उनके साथ उनके जन्म से ही साथ में आई थी। विद्या प्राप्त करने हेतु मैं एक वर्ष से अधिक स्कूल नहीं जा पाया। अभाव भरे जीवन में माता पिता को अलग होने पर विवश कर दिया। और क्या हुआ, जब मुसीबतें आ रही थी, कुछ निर्धन हो गए वो किसी तरीके से, तो उनके जो माता पिता थे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मैं अपनी माँ के साथ रहा और जो चार्ली चैपलिन थे वो अपनी माँ के साथ रहे। वह मंच पर एक गायिका के रूप में काम करती थी, मैं भी उसके साथ चला जाता था क्योंकि किसी भी संबंधी ने मुझे संभालने की सहानुभूति नहीं दिखाई। क्योंकि वो अपनी माँ के साथ चले जाते थे, वो इसलिए जाते थे क्योंकि कोई भी उनका जो रिश्तेदार या कोई सगे संबंधी थे वो उनको रखने की कभी बात ही नहीं करी थी उन लोगों ने। मैं प्राय रोता रहता था, मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता था क्योंकि भीगने पर लोग मेरे अश्रु नहीं देख पाते थे। जो चार्ली चैपलिन थे उनको बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता था। वो अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि जब वो रोते थे तो बारिश के कारण उनका रोना किसी को दिखाई नहीं देता था। जीवन यापन हेतु मैंने क्या कुछ नहीं किया, झाड़ फनूस की दुकान पर नौकरी की तथा बिस्कुट और मोमबत्तियाँ भी बेची। फिर एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम किया जहाँ मुझे रोगियों के मूत्र वाले बर्तन भी धोने पड़ते थे और ऊंची खिड़कियाँ भी साफ करनी पड़ती थी। एक दिन अचानक मुझे अयोग्य बच्चा कहकर डॉक्टर ने काम से हटा दिया। कठिनाइयाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। गाते गाते मेरी माता का स्वर खराब हो चुका था। एक दिन वह नए भर्ती किए गए सैनिकों के समक्ष गा रही थी कि उसके गले ने उनका साथ देना बंद कर दिया। वह विश्वास से भरकर मन से उतर आई तो मुझे गाने के लिए भेज दिया। मैंने गाना आरंभ किया तो मंच पर सिक्कों की बारिश होने लगी। मैंने गाना रोक दिया तथा बच्चों के स्वाभाविक स्वर में बोला, पहले सिक्के उठा लूँ फिर गाकर सुनाऊंगा। तो चार्ली चैपलिन थे वो एक अभिनेता फिल्मकार तो थे ही, उसके साथ वो एक संगीतकार भी थे और एक गायक भी थे। सैनिक इतना हंसे कि मुझे भी हंसी आ गई। यही नहीं, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया। अब उनको पता चल चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने दुखी लोगों के होठों पर हंसी बिखेरने का काम करने का प्रण ले लिया। मंच पर पड़े सारे सिक्के प्रबंधक ने उठा लिए थे। मेरे काम से प्रसन्न होकर उसने सारे सिक्के मेरी माँ को दे दिए तो मेरा साहस और भी बढ़ गया। इस प्रकार मेरे हास्य अभिनय का श्री गणेश हुआ। श्री गणेश होना यानी कि शुरुआत होना। 1910 ईस्वी तक मैं 21 वर्ष का हो चुका था तथा मेरी गिनती छोटे मोटे अभिनेताओं में होने लगी थी। अतः मैं अमेरिका चला गया तथा वहाँ 40 वर्ष से अधिक समय तक रहा। 1943 ईस्वी में मैंने वहीं विवाह भी कर लिया। अभिनेता के रूप में मेरा जीवन वस्तुतः 1914 ईस्वी में आरंभ हो गया था। उनका एक अच्छी तरीके से जीवन का जो शुरुआत हुई वो 1914 में आरंभ हुई थी।
तथा जब मैंने द लिटिल फेलो नामक फिल्म में जैकी कूगर नामक बच्चे का अभिनय किया था। तो जो द लिटिल फेलो नामक एक पिक्चर बनी थी, एक फिल्म बनी थी, उसमें उन्होंने जैकी कूगर नामक के बच्चे का अभिनय किया था और यही उनके जीवन की शुरुआती एक पहली फिल्म थी, जिसमें छोटा सा कोट, ढीली ढाली पतलून और हेड पहनकर हाथ में छड़ी ले रखी थी। 1919 में मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक फिल्म कंपनी खोली तथा कुछ गंभीर फिल्में बनाईं। इन फिल्मों में से एक फिल्म थी डॉग्स लाइफ, जिसमें दर्शाया गया था कि एक बेकार युवक का जीवन कुत्ते के जीवन से भी हे होता है, यानी कि बुरा होता है। इस फिल्म में काम करने वाले कुत्ते का नाम मर्ट था, जो मुझे बहुत प्यार करता था। मुझे युद्ध कोष हेतु धन एकत्र करने के लिए यात्रा पर जाना पड़ा तो मर्ट ने खाना पीना छोड़कर प्राण त्याग दिए। लौटने पर मैंने अपने स्टूडियो में मर्ट को दफना दिया। इस दुखद घटना के पश्चात मैं कुत्तों से बहुत प्यार करने लगा। एक बार तो मैंने सड़क पर चल रहे एक भूखे कुत्ते की आंखों में कातरता देखकर उसे होटल में ले जाकर पेट भर खाना खिलाया। जब उनका जो प्रिय कुत्ता था वो मर गया तो चार्ली चैपलिन को कुत्तों से अधिक प्यार हो गया और वो जहाँ भी उन्हें कोई कुत्ता मिलता उसको वो खिलाने पिलाने की पूरी व्यवस्था करते थे। तो एक बार एक कुत्ते को रोड पर देखा उन्होंने भूखा प्यासा, तो उसको होटल में ही लेकर चले गए और उसको अच्छे से खाना खिलाया। उसे होटल में ले जाकर भरपेट खाना खिलाया। यही नहीं, मैंने कुत्तों के मूक अभिनय का अभ्यास करके इसमें दक्षता भी प्राप्त कर ली। मेरी ढीली ढाली पोशाक तथा पांव घसीटकर चलने का अंदाज मेरे अभिनय की विशेषताएं थीं, जो मेरे हास्य अभिनय का आधार थीं। ठीक है, उनका मुख्य हास्य अभिनय का आधार क्या था? उनकी ढीली ढाली पोशाक तथा पांव घसीटकर चलना। ये विशेषताएं मैंने रूमी विक्स नामक व्यक्ति को देखकर अपनाई थी, जो कि मेरे चाचा की दुकान के सामने घोड़ों की देखरेख किया करता था। जब मैंने रूमी की नकल करके अपनी माँ को दिखाई तो वह बहुत देर तक हंसती रही, परंतु उसने मुझे डांटकर यह भी कह दिया कि लाचार लोगों की नकल करने से भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। एक रूमी विक्स नाम का एक व्यक्ति था, उसको देखकर उन्होंने उसकी नकल की तो लेकिन उसकी माँ ने उसको डांट दिया। हंसी भी आई उनको, परंतु उसने डांट दिया कि कुछ लाचार जो व्यक्ति होता है, जो असहाय होते हैं, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी लाचार या असहाय व्यक्ति की नकल करेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। मेरी महात्मा गांधी जी से भी लंदन में भेंट हुई थी। मैंने उनके विचारों से प्रभावित होकर मॉडर्न टाइम्स नामक एक फिल्म बनाई। यह मर्मस्पर्शी फिल्म मेरे सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से गिनी जाती है। अंततः मैं स्विट्जरलैंड में स्थायी रूप से अपने परिवार के साथ बस गया। 1972 ईस्वी में मुझे सम्मान देने हेतु अमेरिका में बुलाया गया तथा बहुवांछित ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, चार्ली चैपलिन को ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तत्पश्चात 1975 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने मुझे नाइटहुड की उपाधि दी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने कौन सी उपाधि दी चार्ली चैपलिन को? नाइटहुड की उपाधि दी। उस समय मेरी आयु 86 वर्ष की थी। तो बच्चों, इस आत्मकथा में, जो एक आत्मकथा है चार्ली चैपलिन की, आज इस हमने इस कहानी को पढ़ा और हमने देखा कि उन्होंने किस किन किन संघर्षों को सहन करते हुए वो किस मुकाम पर पहुँचे और उन्होंने कौन कौन सी फिल्में की, उनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली और कौन कौन से सम्मान मिले। तो आप अपनी पुस्तक में आगे देखोगे तो कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, हम उनको देख लेते हैं। अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी। संबंधी, नातेदार या रिश्तेदार, जिनको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव्स, रिलेटिव। अश्रु, आंसू। विषाद, दुख। श्री गणेश, किसी चीज़ को आरंभ करना या शुरू करना। एकत्र, इकट्ठा करना। कातरता, निराशा। मर्म स्पर्शी, मन को छूने वाली। आधार, नींव। मंच, स्टेज। सहानुभूति, सद्भावना। जीवन यापन, जीवन चलाना। उद्देश्य, ध्येय। हे, घटिया, एकदम खराब। दुखद, दुखदायी या कष्टकारक। दक्षता, चतुरता। स्थाई, सदा के लिए रहना, मतलब कोई चीज़ एक जगह
फिक्स हो जाती है, उसी को कहते हैं हम स्थाई। ठीक है बच्चों, तो आज का ये पाठ समाप्त होता है। आप एक बार पुनः इस पाठ को पढ़ना और इसके पीछे जो प्रश्न उत्तर और जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनको याद करिएगा। धन्यवाद।